नमस्कार दोस्तों, विवेक पवार साहब सबका स्वागत करता हूँ policyplanet.com के YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं। आज भी हमारा टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकता है। ओके, अगर आप अपने पॉलिसी ली है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और कितने दिन में कैंसिल कर सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो हाउ टू कैंसल द पॉलिसी व्हेन आई ऑलरेडी बॉट इट, तो मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताने वाला हूं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक पहुंच कीजिए। तो क्या होता है कि हम एक विश्वास रखकर पॉलिसी लेते हैं। कोई भी हमारा दोस्त आता है, कोई हमारा अजीज रहता है, कोई हमें ऑनलाइन पॉलिसी भेजता है, कोई कभी कभी हम खुद पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें बाद में पता चलता है, हमारा कोई दोस्त होता है, ये पॉलिसी ली तूने बहुत खराब है। कोई हमारा दूसरा इंश्योरेंस का बंदा आता है, वो समझाता है सर आपने ये पॉलिसी ली, इससे बेटर तो ये है। या कभी कभी क्या होता है कि पॉलिसी लेने के बाद हमें पता चलता है, अरे एक प्रॉब्लम आ गया, मुझे तो पैसों की जरूरत है, तो मैं वो भी पॉलिसी कैंसिल करना चाहता हूँ। किस कोई भी कारणवश मैं अगर पॉलिसी कैंसिल करना चाहता हूँ तो हाउ टू कैंसिल इट। ओके, तो उसमें उसके लिए फ्री लुक पीरियड ऐसा बोला गया है। IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, उन्होंने हर एक टाइप की पॉलिसी को एक टाइम दिया है, उसको फ्री लुक पीरियड बोला जाता है। आपको एक समय दिया गया है कि आप उस समय के अंदर पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन पॉलिसी ली है, कोई बंदा आपके घर पे आया, फॉर्म भरा, फिजिकली फॉर्म भरा, चेक लिया, जमा किया आपके घर पे, बाय पोस्ट आपके हाथ में पॉलिसी आई, जिस दिन आपके हाथ में पॉलिसी आई उस दिन के बाद अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस की है तो 15 डेज, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस की है तो आपको 30 डेज का टाइम पीरियड है। ओके, तो 30 दिन के अंदर आप पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो अगर लाइफ इंश्योरेंस की है, और हेल्थ की हो तो 15 दिन की हो, या अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। तो कम से कम आपको 15 दिन तो मिलने वाले है मोटर छोड़ के, मैं रिपीट करता हूँ मोटर छोड़ के। तो वो पॉलिसी आपको जाके ब्रांच में ओरिजिनल पॉलिसी, ओरिजिनल उसकी रिसीट, आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपका एक एप्लीकेशन, और उनका अगर फॉर्मेट रहेगा तो वो फॉर्मेट पे एप्लीकेशन और उसका रीजन, प्रॉपर रीजन, क्यों मैं, क्या मैं इस पॉलिसी में सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे समझाया नहीं गया ठीक से, या पॉलिसी एक आ गई जिसमें एक लिखा है और मैंने जो सुना है वो एक है आई एम नॉट हैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी आप बोल सकते हैं। पॉलिसी को कैंसिल आप करेंगे तो उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगी है वो आपको नहीं मिलेगी, बाकी सब पैसा मिलेगा। अगर आपका हेल्थ चेकअप हुआ है ओके, तो भी वो हेल्थ चेकअप का पैसा कंपनी कैंसिल कर सकती है, अपने अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपका पैसा तो वापस आ ही जाएगा। ओके, तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, टर्म इंश्योरेंस हो, हम एक विश्वास पे पॉलिसी लेते हैं और कभी कभी हमें बताया नहीं जाता कि इसमें क्या क्या नहीं मिलता, क्या क्या इसमें खासियत है, और इसमें कंपटीशन में और भी कोई कंपनी अच्छा प्लान दे रही है, हमें बताया नहीं जाता। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फॉर्म खुद भरिए। पॉलिसी नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका आपके पास कोई एजेंट आ गया तो पॉलिसी हो ही जाए, मतलब उसको कवर मिले ही मिले। मान लीजिए किसी का BMI मैच नहीं हो रहा, बॉडी मास इंडेक्स, किसी का हाइट है 5.5 और वजन है, वेट है 110 किलो, तो ये मिसमैच हो रहा है, इसको पॉलिसी नहीं मिलने वाली। या किसी को इंसुलिन चालू है लेकिन एज उसकी कम है, तो विदाउट मेडिकल चेकअप हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, उसने छुपा लिया। तो उसने क्या किया, फॉर्म पे हर जगह पे नो 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 टिक कर दिया, आपकी साइन ले ली, प्रपोजल फॉर्म जमा कर दिया, पॉलिसी आ गई और 15 डेज का फ्री लुक पीरियड खत्म होने दिया, खत्म, बात, पॉलिसी आपको लेनी पड़ेगी, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। उस केस में आप अगर ऑनलाइन पॉलिसी लेते हो तो ऑनलाइन में आपको खुद फॉर्म भरना पड़ता है, आपको कंपनियां कॉल करती है कि सर आपने ये भरा है, ये सही भरा है, तो एक टेलीफोनिक वेरिफिकेशन भी होता है, और आप खुद फॉर्म भरोगे तो खुद कुछ छुपाओगे नहीं, क्योंकि मैं खुद का फॉर्म क्यों गलत भरूंगा। तो ऑनलाइन जाइए, हमारी वेबसाइट है policyplanet.com, वहां पे जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, पॉलिसी कंपेयर कीजिए, कि ऐसा ना हो कि बाद में मैंने कुछ देखा नहीं। कंपेयर, आपको कम से कम 5-6 या 10 एक तक का कंपनियों का अच्छे अच्छे ब्रांड का कंपेरिजन मिलेगा, जहां पे जाके आपको इमीडिएटली कवर चालू हो जाएगा। देखिए, और एक बात बताना चाहता हूं, अगर पॉलिसी आपने ऑनलाइन ली तो उसका कवर इमीडिएट स्टार्ट होता है, तो आपको जैसे ही आपको ईमेल पे पॉलिसी आएगी तो वहां से आपका फ्री लुक पीरियड चालू हो जाएगा। ऑफलाइन में पॉलिसी हार्ड कॉपी और
ऑफ ऑनलाइन में पॉलिसी का ऑनलाइन पे आना आपका रिसीव्ड ऑफ द पॉलिसी समझा जाएगा, उसके बाद फ्री लुक का पीरियड टाइम चालू हो जाएगा। नियरेस्ट ब्रांच में आप जमा कर सकते हैं अगर आपको कैंसिल करना है। ये आपका जो बायर है पॉलिसी होल्डर उसका ये राइट है एज पर IRDA गाइडलाइन। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे पॉलिसी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जो लोग परेशान है इस वजह से कि मुझे पॉलिसी कोई बेच के गए, तो डरिए मत, घबराइए मत। आप आपके दोस्तों की एक ख्वाहिश के लिए पॉलिसी ले बैठे हैं, या कोई आपके रिश्तेदार आपको बेच के गए हैं, और जो पॉलिसी आपको सालों साल भरनी पड़ने वाली है, तो उसको जाके आप बिल्कुल उसके बताए बगैर आप जाके कैंसिल कर सकते हो पॉलिसी। बेझिझक कैंसिल करो, पॉलिसी पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों में, सबको फायदा होना जरूरी है। तो हमारे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों, टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय।